अपना टाइम भी आएगा का टाइम आ गया, खत्म होने का टाइम आ गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरी दिन शूटिंग का नजारा कैसा था, क्या हुआ राजा और रानी का और उनकी कहानी का। देखिए भाई देखिए, अब रानी का टाइम आ गया है। दुल्हन बनी 16 श्रृंगार करके, तभी तो वो तैयार है। अब वो क्या है ना, सीरियल का टाइम खत्म हो गया है, इसीलिए तो सीरियल खत्म होते होते उन्होंने रानी को इंजीनियर बना ही दिया। उनको लगता है उन्हें इंजीनियरिंग आती है, पर ऐसी बात नहीं है। दिल का उल्टा पुल्टा करके छोड़ दिया इन्होंने उनको समझाने के लिए कि आप डॉक्टरी करो, हम इंजीनियरिंग करते हैं। इधर रानी इंजीनियर बनी तो उधर होगी राजा और रानी की एक बार फिर से शादी। अब इनकी पहली शादी जिस कंडीशन में हुई थी, वो कंडीशन तो आप सबने देखी है। इसीलिए अब जब सीरियल खत्म हो रहा है ना, तो इनकी शादी एकदम मन से धूमधाम के साथ होगी। हाँ, दोबारा शादी करेंगे। मैं भांग पी के सबको मना लिया हूँ। शादी द्वितीय द्वितीय भांग पी के सबको बोला शादी करने हो दोबारा। पहले तो वो डेंजरस शादी हुई थी, बहुत हमारी एडवेंचरस, तो इस बार शांति से फैमिली के साथ हम शांति तो इतनी भी नहीं है खुराफाती चली रही रानी के बीच बीच। राजा और रानी दूल्हा दुल्हन बनकर बहुत खुश हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रही हैं। तो वहीं इनके परिवार के बीच जिसने कलेश मचा रखा था ना, यानी कि जयसिंह, उसकी भी छुट्टी करेंगे। जाते जाते आज राजा अपने सारे बदले लेते जाएगा। जयसिंह और रानी का टॉम एंड जेरी तो चलता रहता है, पर इस बार ये भी साथ में है तो या इस बार पकड़ा जाएगा। रानी और वीर के बीच में जो कुछ भी हुआ आज तक, शादी से लेके दोस्ती, सब कुछ जयसिंह के वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं गुस्सा कभी नहीं होता उससे, वो हमारा टफ लव है। अब भी राजा भी तो अपनी सारी जिम्मेदारी को समझता है, इसीलिए सब कुछ ठीक करके वो इत्मीनान से रानी के साथ शादी करेगा और फिर कुछ इस कदर इनकी विदाई होगी। अब सीरियल के आखिरी दिन का नजारा तो कुछ ऐसा ही है। सब मिलाइए अपना हाथ और मिलकर करें एक नई शुरुआत। हम हैं रेबल। बहुत प्यारा रहा है सफर आज तक, जो भी हुआ है हम लोग उस चीज़ को जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे, मैं जरूरी। जाते जाते इस सेट पर केक भी कटा, सबका मुंह मीठा भी हुआ और कुछ ऐसे ही उम्मीद से हमने भी विदाई ली कि भाई आप सबसे जल्द ही मुलाकात होगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।